2024 के चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम खट्टर बीते कई दिनों से लगातार मीडिया के सामने आकर किसी न किसी वर्ग के लिए एक बड़ी घोषणा कर देते हैं। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात हो, या लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा करने की बात हो, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने की बात हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मात्र कुछ दिनों में ऐसे कई बड़े ऐलान कर चुके हैं जो शायद इससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं किए थे। इस बीच सीएम खट्टर ने अपना एक और सबसे बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। दरअसल सोमवार को ही हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछड़ा वर्ग की 6 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला लिया है, जिसमें अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी और राय सिख जाति शामिल है, जिन्हें अब अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब इन 6 जातियों को वो सभी लाभ मिल सकेंगे जो अनुसूचित जाति वर्ग को मिलते हैं। इसके अलावा सीएम खट्टर ने कैंसर के मरीजों के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि कैंसर के मरीजों को हर महीने 3,000 रुपये बतौर सहायता दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें कहा गया है कि कैंसर का मरीज स्टेज 3 और 4 का रोगी हो, तभी 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस फैसले से लगभग 22,000 से ज़्यादा मरीजों को फायदा होगा। इस योजना के तहत पात्र कैंसर रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी 2024 से 3,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे कैंसर के मरीज जिनकी पारिवारिक सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को छोड़कर 3,00,000 रुपये से कम है, वो इस योजना के पात्र होंगे। तो ये बड़ी राहत कैंसर रोगियों को दी गई है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की 6 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके भी सीएम खट्टर ने एक बड़ा दांव चल दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि सीएम खट्टर के ये बड़े ऐलान उनको तीसरी बार सत्ता का सरताज बना पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।